शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की हुकूमत में बांग्लादेश में गजब हो रहा है। जिस मुल्क की नींव ही पाकिस्तान की तानाशाही और कट्टरता के खिलाफ एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में पड़ी, वहां अब लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। जमहूरियत की सांसें उखड़ रही हैं, वो सांसें कब थम जाए कहना भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट से मन नहीं भरा तो अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। वो बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात और अंतरिम सरकार में उसके मुखौटों की आंखों में चुभ रहे हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन को फौरन गद्दी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ही नहीं, सेना प्रमुख वकारुज्जमा भी कट्टरपंथियों और अंतरिम सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजों को मिटाने की ऐसी सनक सवार है कि अब बांग्लादेश छात्र लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। ये संगठन शेख मुजीब और उनकी बेटी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की छात्र इकाई है। इससे पहले मुल्क के मुख्य न्यायाधीश उबेदुल हसन को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन इन सब के बीच सबसे चिंता और दुख की बात यह है कि बांग्लादेश के उस संविधान को खत्म करने की भी तैयारी है जिसे आजादी के बाद शेख मुजीब ने बांग्लादेश में लागू किया था, जिसके मुताबिक इस देश को कट्टरता की अंधी दौड़ से तौबा कर एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाया गया। लेकिन अब उसी बांग्लादेश में लोकतंत्र के साथ साथ संविधान भी मौत या यूं कहिए कि हत्या के मुहाने पर। सर, अब आप दो तस्वीर देखिए, एक तस्वीर है जश्न की और दूसरी विरोध की। जश्न बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध को लेकर मनाया जा रहा है, तो विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ हो रहा है। शेख हसीना से हद तक नफरत करने वालों को आवामी लीग की स्टूडेंट विंग के आतंकी संगठन घोषित होने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, तो उसी जमात के लिए अपने ही राष्ट्रपति बैरी हो गए। वो भी इसलिए क्योंकि उनका जुड़ाव शेख हसीना से रहा, उन्हीं की सरकार में वो राष्ट्रपति चुने गए। मंगलवार की शाम ढाका के राष्ट्रपति भवन बंग भवन के बाहर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया को 5 अगस्त का वो मंजर एक बार फिर से याद आ गया, जब शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। जो मिला उसे लूट लिया गया या फिर तोड़ दिया गया। इस वाक्ये के ठीक 78 दिन बाद राष्ट्रपति भवन में भी कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता, क्योंकि भीड़ दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन शुक्र है कि बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस ने मरते लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के आगे सरेंडर नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जो 90 दिन के अंदर एक बार फिर से छात्र आंदोलन की आड़ में ढाका की सड़कों पर आक्रोश की आग एक बार फिर से सुलगा दी गई। तो अब प्रदर्शनकारी छात्रों की जमात, जिसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट यानी कि भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन का नाम दिया गया, जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी ही नहीं बल्कि देश छोड़ने पर मजबूर किया, उसने बीते मंगलवार को 5 नई मांगों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस छात्र आंदोलन की पहली मांग है 1972 का संविधान ही खत्म कर दिया जाए। दूसरी मांग, बांग्लादेश छात्र लीग पर 1 सप्ताह में पाबंदी लगाई जाए। तीसरी, राष्ट्रपति फौरन इस्तीफा दे दें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। चौथी मांग, बांग्लादेश को न्यू रिपब्लिक घोषित किया जाए, राजनीतिक तंत्र को पूरी तरीके से एक नए ढांचे में डाला जाए। और पांचवी मांग, 2014, 2018 और 2024 में बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे उनको पूरी तरीके से अवैध घोषित किया जाए। वैसे छात्र लीग पर बैन लगाने के लिए अंतरिम सरकार को इस छात्र परिषद ने 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन एक ही दिन में ये मांग मान ली गई। बांग्लादेश के पिछले 3 चुनाव अवैध घोषित होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी बांग्लादेश के इन कथित छात्र नेताओं ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। असल में बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश उबेदुल हसन ने दबाव में आकर इस्तीफा दिया, तमाम अधिकारी, प्रोफेसर, दूसरे बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उसे देखते हुए छात्र नेताओं के हौसले अब 7वें आसमान पर है।
अब सवाल उठता है कि ये लोग आखिर राष्ट्रपति के पीछे पड़े क्यों हैं? तो मैं आपको इसकी वजह भी बताती हूं। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शनिवार को बांग्ला दैनिक मानव जमीन को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि शेख हसीना ने छात्र आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के वक्त इस्तीफा दे दिया। हालांकि अंतरिम सरकार में शामिल छात्र आंदोलन के नेताओं का दावा है कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त के संदेश में उन्होंने खुद शेख हसीना के इस्तीफे मिलने की बात कही थी। अब सवाल यह कि शेख हसीना देश में है ही नहीं, उन्होंने भारत में शरण ले रखी है, बांग्लादेश की संसद भंग है, वहां अंतरिम सरकार है, फिर शेख हसीना के इस्तीफे की बात अचानक तूल क्यों पकड़ रही है? तो इस्तीफा वो कुंजी है जिससे होकर अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की वैधता का रास्ता जाता है। अगर इस्तीफे की एक कॉपी यानी कि प्रति नहीं मिलती है तो अंतरिम सरकार वैध हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर शेख हसीना पीएम इन एब्सेंशिया बन जाती है, यानी कि वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं तकनीकी तौर पर। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति के ही इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि अब इन तथाकथित स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को चिंता होने लगी है कि शेख हसीना के लिखित इस्तीफा ना होने की बात कहकर कहीं राष्ट्रपति उनके वापस सरकार में आने का रास्ता प्रशस्त तो नहीं कर रहे। लेकिन बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी इसमें रोड़ा बन गई है। उसने दो टूक कह दिया कि राष्ट्रपति को पद से हटाना गलत है, क्योंकि अगर वो हटे तो बीएनपी की सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। उसे डर सता रहा है कि अगर कोई जमाते इस्लामी समर्थक राष्ट्रपति बन गया तो अगले चुनाव में बीएनपी के लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। यह तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मा प्रदर्शनकारियों के रडार पर क्यों आए हैं? इसकी वजह है उनके बयान, फैसले और जुड़ाव। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मा, उनकी नियुक्ति शेख हसीना सरकार ने की थी, वो उनके रिश्तेदार भी लगते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलने में आर्मी चीफ ने ही उनकी मदद 5 अगस्त के बाद की थी। लेकिन याद रखिए कि शेख हसीना से रिश्ता होने के बावजूद यही वो वकार उज़्ज़मा थे जिन्होंने सेना की मदद से फिर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया था और फिर ये भी कहा कि 18 महीने के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। पर पेच तब जाके फंस गया जब फिर सेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं के जो हेड हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करेंगे, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मोहम्मद यूनुस या किसी छात्र नेता नहीं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे। लगता है इसी वजह से अब वकार उज़्ज़मा को हटाने की मांग करने वाले लोग यूनुस सरकार के गठन में उनकी भूमिका को भूल गए। वो अब सिर्फ उनको बांग्लादेश के सशस्त्र बलों पर फुल कंट्रोल हासिल करने के रास्ते में एक बाधा के रूप में देखते हैं। मतलब कि मोहम्मद यूनुस को इसमें कोई हर्ज नहीं लगता कि सेना प्रमुख को हटा करके कोई कट्टरपंथी को वहां बिठा दिया जाए, राष्ट्रपति उस तबके का कोई बन जाए जिसने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में देश का नहीं बल्कि दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया था। तभी तो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिविर से आतंक विरोधी कानून के तहत लगी पाबंदी हटा ली और अब आवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि उनको जमात के लोग आतंकी नहीं दिखते पर छात्र परिषद छात्र लीग के लोग जो कि विपक्षी पार्टी है वो उनको ज्यादा बड़े आतंकी दिखते हैं। इससे पहले 18 अगस्त को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आते ही अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी संगठन अंसारुल्ला बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया गया था, जबकि 4 सितंबर को खूंखार आतंकी शेख असलम उर्फ स्वीडन असलम को भी दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में एक साथ जमानत दे दी गई। तो कौन है असली आतंकी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की निगाह में, आप खुद ही देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मद यूनुस सिर्फ नाम के सरकार चला रहे हैं। पर्दे के पीछे सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है ये किसी से छुपा नहीं है, या फिर मोहम्मद यूनुस निजी फायदे के लिए वो फैसले ले रहे हैं जिससे वो कट्टरपंथियों की मेहरबानी से तब तक सत्ता में बने रहे जब तक कि शेख हसीना सरकार में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को बेदाग साबित ना करे। दरअसल यूनुस पर बांग्लादेश में 1100 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा था।
बांग्लादेश के नेशनल रेवेन्यू बोर्ड के इस आरोप के खिलाफ यूनुस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, लेकिन इसी साल 4 अगस्त को उनकी याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उनसे 666 करोड़ बांग्लादेशी टका वसूलने का आदेश दिया। हालांकि इसके एक दिन बाद ही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब खुद सरकार की कमान यूनुस के हाथ में है। ऐसे में इसी महीने की 4 तारीख को हाई कोर्ट से उन्होंने पिछला आदेश रद्द करवा दिया, यानी कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। अब सवाल ये कि क्या इसी वजह से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पहचान राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के नामो निशान को मिटाने पर आमादा है, इसे हमने पूर्व राजदूत दीपक वोहरा से समझने की कोशिश की। डेमोक्रेसी चली गई है, लोग कहते हैं कि शेख हसीना ऑटोक्रेट थी। मैं तो कई बार उस देश में गया हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता था शेख साहब को, शेख मुजीब को, और उनकी जो बेटी थी जो प्रधानमंत्री थी, वो इस समय भारत में है, संबंध है मेरे उनके साथ। तो वो कहते हैं कि ऑटोक्रेट थी, चलिए मान लिया, लेकिन अब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। एक शब्द नहीं बोल रहा जो वहाँ पर हो रहा है। अरे तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था, बांग्लादेश माय मदर, मैं बचाने आ रहा हूँ, ये कहता, मुंह क्यों नहीं खोलता है, कंडेम क्यों नहीं करता है इन लोगों को? तेरी आंखों के सामने संविधान के धज्जियाँ उड़ा दी जा रही हैं, तेरे आंखों के सामने बंगाली कल्चर, बंगाली सिविलाइजेशन, बंगाली सभ्यता को बर्बाद किया जा रहा है, और आप अपना मुँह नहीं खोल पा रहे। तो ये मेरा मानना है सर कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए तो करेगा। सच यह है कि बांग्लादेश में दमन काल चल रहा है। 5 अगस्त के बाद वहां अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए। उनकी हत्या की गई, चुन चुनकर शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाया गया। दुर्गा पूजा पंडालों में पेट्रोल बम से हमले हुए। सिद्ध पीठ से मां काली की मूर्ति से मुकुट चुरा लिया गया, वो मुकुट जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से भेंट किया था। लेकिन यूनुस साहब को लगता है कि इन सबकी उन्हें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त से 25 सितंबर के बीच शेख हसीना समर्थकों पर करीब 1500 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 92,000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। हसीना और उनके मंत्रियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए। 25 सितंबर तक 779 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अक्टूबर के महीने में तो रिकॉर्ड गिरफ्तारी हुई है। इस महीने के पहले हफ्ते में ही 7,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। मोहम्मद यूनुस ने शायद टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला अब अपना लिया है। शेख हसीना के रहते उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ऐसे में अब वो देश को बदहाली से उबारने की बजाय बदले की राजनीति में लग गए हैं। लेकिन उन्हें करना यह चाहिए था कि वो बांग्लादेश का भरोसा जीत, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में यूनुस को ऐसी बातों में शामिल नहीं होना चाहिए जो विविधता और समावेश के बजाय विभाजन को बढ़ावा देती हैं। उन्हें लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वो सभी के लिए हैं, ना कि समाज के सिर्फ एक हिस्से के लिए। और अगर वो भी करप्शन और कट्टरपंथियों में लिप्त रहेंगे, कट्टरपंथ के जो पूरा फंडामेंटलिज्म है उसमें लिप्त रहेंगे, तो उनमें और बाकी नेताओं में क्या फर्क रह जाए?